सो गाइस सबसे पहले हम आपको दोनों चक्का दिखाते हैं ये साइकिल का, उसके बाद हैंडल दिखाएंगे, फिर बॉटम ब्रैकेट दिखाएंगे। जैसा कि इसका चक्का आप देख पा रहे हैं, देखिए कितना ज़्यादा प्ले बता रहा है। ठीक है गाइस, अगर आपका साइकिल का इस तरीके का प्ले होता है तो ये प्ले को कैसे आपको फिक्स करना है बहुत ही ईजी है और आसान है, और फिक्स करते समय किन किन बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो आप लोग को बताते हैं। उससे पहले हम फ्रंट व्हील भी आपको दिखाते हैं, हैंडल दिखाते हैं। तो देखिए हम आपको फ्रंट व्हील उठाएँ और देखिए फ्रंट व्हील भी देखिए कितना ज़्यादा प्ले बता रहा है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी में अगर आप साइकिल को चलाते हैं तो ब्रेक वगैरह टच करेगा, ब्रेक में भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो गाइस देखिए हैंडल कितना ज्यादा प्ले बता रहा है। देखिए ये आपका माइनर भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है ये प्ले। तो देखिए जैसा कि बॉटम ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं, देखिए कितना ज्यादा प्ले बता रहा है। सो गाइस चलिए अब आप लोग को बताते हैं फिक्स कैसे करना है और फिक्स करते समय किन किन बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बहुत ही अच्छे से और इजी तरीका बताएंगे कैसे करना है, क्योंकि इसके रिलेटेड में एक हमारे डियर सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किए थे, उनका बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था इसी चीज़ पर कि भाई आप साइकिल का चक्का ढक, हैंडल ढक, बॉटम ब्रैकेट कैसे ढक मारा जाता है जिसे प्ले भी बोला जाता है, तो आप इस पर एक वीडियो बना देते। उन्हीं का आधार पर हम वीडियो को बना रहे हैं, आप लोग का बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक ही चीज़ कहेंगे, अगर चैनल में न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम आने वाला वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे गाइस कौन कौन टूल्स का जरूरत पड़ेगा। एक आपको 14-15 नंबर का रिंग स्पैनर का जरूरत पड़ेगा जैसा कि देख पा रहे हैं। एक आपको पत्ती स्पैनर का जरूरत पड़ेगा इस तरीका का 13 छेदा वाला। एक आपको इस तरीका का स्क्रू ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा। एक आपको तोता प्लायर का जरूरत पड़ेगा जिसे मंकी प्लायर भी बोले जाते हैं। एक आपको पत्ती स्पैनर का जरूरत पड़ेगा जैसा कि देख पा रहे हैं, पैडल पत्ती स्पैनर है। ये आपका जो है साइकिल शॉप में मिलेगा, बाकी जो सारा टूल बताएं आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं गाइज, ये हमारा देसी साइकिल है गाइज। आपके पास 22 इंची का हो या फिर 20 इंची का हो या फिर MTB में कोई भी रेंजर साइकिल हो गाइज, सभी साइकिल में सेम प्रोसेस के साथ में चक्का ढक, चक्का प्ले ठीक किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं फिक्स कैसे करना है। अब गाइज चलिए सबसे पहले बॉटम ब्रैकेट को टाइट कैसे करना है बताते हैं, और आप लोग को बताएंगे बॉटम ब्रैकेट से कुछ नॉइज़ का प्रॉब्लम भी आता है वो किस वजह से आता है, और बॉटम ब्रैकेट आपका साइकिल का टाइट होगा कि नहीं वो भी चीज़ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना कि इस तरीका का तोता प्लायर ले लेना है जिसे मंकी प्लायर भी बोलते हैं। उसके बाद क्या करना कि ऊपर का जो ये रिंग आप देख रहे हैं बॉटम ब्रैकेट का, ठीक है, बीबी कप रिंग इसे बोलते हैं, तो ये रिंग को आपको खोल लेना है इस तरीका से, ठीक है, इसे चूड़ी भी बोले जाते हैं। तो इस तरीका से आपको जो खोल लेना है, ये देखिए ये आपका लूज़ हो गया, तो इसे आपको पूरा खोल लेना है इस तरीका से। ये आपका अगर जाम होगा पंच और हैमर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखिए तोता प्लायर से कर लिए क्योंकि यहाँ पर जो है हम ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान देते हैं साइकिल में, इसके वजह से ये इजी और आसान तरीका से खुल गया है। अगर आप अपना साइकिल में ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान देते हैं तो जाम होने का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा, और आसान और इजी तरीका से हर काम आप अपने से ही साइकिल का कर सकते हैं और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान देते हैं। तो चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, मंकी प्लायर का जो देख रहे हैं मुंह को बड़ा कर लेना है इस तरीका से। मुंह को बड़ा कर लेने के बाद क्या करना है, जितना पर एडजस्ट करना है अपना हिसाब से कर ले। उसके बाद आपको क्या करना है, कप को इस तरीका से टाइट करना है। अगर मंकी प्लायर से टाइट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, पंच और हैमर का यूज़ करना है इस जगह में भी, ठीक है। तो ये देखिए हमारा प्लेयर से जो है टाइट हो चुका है और जो प्ले का प्रॉब्लम था वो हमारा फिक्स हो चुका है, ठीक है गाइस। देखिए एकदम प्ले नहीं बता रही है, हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिंग को इस तरीका से टाइट कर देना है, कप को टाइट देने के बाद इस तरीका से रिंग को टाइट दे दें, तो रिंग को इस तरीके से आपको फुल टाइट दे देना है। फुल टाइट देने के बाद गाइस ये आपका जो प्ले का प्रॉब्लम था वो फिक्स हो जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं गाइस, अगर आप इस तरीके से फुल टाइट दे देते हैं और साइकिलिंग जब पैडलिंग करते हैं, अगर आपका पैडलिंग से आवाज़ आता है कट कट इस तरीके से नॉइज़ का प्रॉब्लम, ये जो नॉइज़ का प्रॉब्लम आता है गाइस ये आपका जो है यही बॉटम ब्रैकेट से आता है, क्योंकि कप प्रॉपरली टाइट नहीं रहने का वजह से। तो आपको क्या करना कि फुल टाइट दे देना है, चाहे आपका न्यू साइकिल हो या फिर पुराना साइकिल हो, तो नॉइस का जो प्रॉब्लम है वो इस जगह से नहीं आएगा, वो आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद बताते हैं गाइस, अगर आप कप को फुल टाइट दे देते हैं और पैडलिंग करते हैं, ये अगर आपका जाम बताता है तो समझ जाएं कि अंदर का जो बॉटम ब्रैकेट है, ये सेट जो है बॉटम ब्रैकेट, वो आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लूज़ करके इसको आपको टाइट करना है, तो इसमें आपको माइनर प्ले बताएगा, उसी में आप साइकिल को चलाना होगा, साइकिल राइड करना होगा। अगर आप पूरा प्ले को फिक्स करना चाहते हैं तो फिर ये बॉटम ब्रैकेट आपको चेंज करना पड़ेगा। इस पर हम ऑलरेडी बना चुके हैं वीडियो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा।
हैंडल को फिक्स कैसे करना गाइस, प्ले का प्रॉब्लम बता रहा है इस तरीके से। तो आपको क्या करना, सबसे पहले ये जो चकनट आप देख रहे हैं, इस सामान का नाम है चकनट, तो चकनट को आपको जो है लूज कर लेना है तोता प्लेयर लेकर के इस तरीके से, ठीक है। तो चकनट हमारा देखिए लूज हो चुका है। उसके बाद क्या करना, अंदर का जो ये गुना रेसर देख रहे हैं, इस चीज़ का नाम है गुना रेसर, गुना चूड़ी भी इसे बोले जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको जो है इस तरीके से टाइट करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप टाइट कर रहे हैं, अगर टाइट ले लिया तो ठीक है, अगर टाइट नहीं लेता है तो आप समझ जाएं ये जो आपका फ्रॉक है, ये जो फ्रॉक है गाइस, आपका फ्रॉक का जो थ्रेड होता है, थ्रेड आपका खत्म हो जाता है। अगर आप इसी तरीके से लूज में चलाते हैं, हैंडल प्ले में ही अगर साइकिल को ज़्यादा दिन तक चलाए हैं उसके बाद टाइट करने का कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि अंदर का थ्रेड जो होता है फ्रॉक का, हेड पाइप का, वो आपका खराब हो जाता है तो टाइट नहीं लेगा। अगर टाइट ले लेता है तो फिर आपको क्या करना है, ऊपर का जो ये चकनट है, चकनट को इस तरीके से आपको टाइट कर देना है, ठीक है, फुल टाइट दे देना है एकदम। फुल टाइट देने के बाद आपको हैंडल को रोटेट करके देखना है इस तरीके से। अगर रोटेट सही से हो रहा है, ठीक है, अगर सही से रोटेट हो रहा है तो इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सही से रोटेट नहीं हो रहा है तो फिर आप समझ जाएं कि अंदर का जो बॉल बैरिंग होता है इसका, जो चूड़ी में बैठता है, वो आपका ख़राब हो चुका है। तो उसे आपको क्या करना है कि साथ ही साथ तो आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ना करवा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, माइनर इस तरीके से जो है लूज़ करना है, ठीक है। चूड़ी को लूज़ कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका हैंडल एकदम स्मूथ और फाइन हो जाएगा, इसमें आप साइकिल को चला सकते हैं कुछ दिन तक। उसके बाद जितना जल्दी होगा आप हैंडल का रेसर सेट चेंज करवा लें, नहीं तो जो है हेड पाइप जो होता है उसमें जो थ्रेड होता है वो थ्रेड को पूरा खराब कर देगा। तो जितना जल्दी होगा हैंडल का रेसर सेट को आप चेंज करवा लें, या फिर खुद से कर सकते हैं तो कर ले, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। का प्ले फिक्स करने के लिए आपको क्या करना, साइकिल को इस तरीके से उलट लेना है। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही ज्यादा सुविधा होगा चक्का प्ले ढक फिक्स करने में। फ्रंट व्हील का ये जो हब एक्सल नट देख रहे हैं गाइस, ये सामान का नाम है हब एक्सल नट बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये नट को आपको जो है इस तरीके से लूज करना है, ठीक है। लूज करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके का पत्ती स्पैनर ले लें जैसा कि देख पा रहे हैं, या फिर 13 छेदा स्पैनर ले लें इस तरीके का, या फिर 14 15 नंबर का स्पैनर ले लें। यहाँ पर जो टूल लगता है वो टूल का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये तीनों में से जो आपके पास अवेलेबल है। अगर नहीं है तो हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। अगर इसमें अगर ये सब तीनों में से कोई टूल नहीं लगता है तो एक टूल जो है 100% लगता है, ठीक है। हालांकि यही टूल इसका है, लेकिन इसमें बताना चाहेंगे इसमें 16-17 नंबर का एक स्पैनर आता है, वो आपका यहाँ का अंदर का जो जाम नट होता है, अंदर का जो जाम नट आप देख पा रहे हैं, ये जाम नट का जो साइज होता है ये आपका 16-17 नंबर का साइज होता है, ठीक है। ये आपका 17 नंबर का साइज होता है। तो ये क्या करेगा, इसकी 17 नंबर का नट को आपको पहले लूज कर लेना है जाम नट को, उसके बाद बैरिंग को टाइट करना है, जो कि आपको कोई भी पत्ती स्पैनर या फिर 14-15 नंबर का स्पैनर से आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना है। अगर नहीं तो अगर आप 13-6 स्पैनर है आपके पास तो उससे आसानी से इस तरीके से हो जाएगा। नट को लूज करने के बाद आपको क्या करना, बायरिंग को इस तरीके से टाइट करना है जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। बायरिंग को आपको ज़्यादा टाइट नहीं देना है, हिसाब से टाइट देना है। टाइट देने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से जो है चक्का को टाइट करना है, ठीक है। चक्का को टाइट करना है और घुमा करके देखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए इसमें आपका नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि अंदर का जो बायरिंग होता है कप गोली बायरिंग खराब हो चुका है, ठीक है। तो कप गोली बैरिंग आप चेंज करवा दें, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप साथ ही साथ नहीं करवा सकते हैं तो आपको क्या करना है, लूज़ करना है इस तरीके से हब एक्सल नट को। लूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, स्पैनर लेने के बाद थोड़ा सा बैरिंग को इस तरीके से लूज़ करना है, ठीक है, हल्का सा। और माइनर आपको चक्का को प्ले रखना है, माइनर प्ले रखना है चक्का को। उसके बाद क्या करना है, चक्का को एकदम मिडिल पे आपको देखना है, ठीक है। मिडिल पे देखने के बाद, मिडिल पे चक्का को कर लेने के बाद ये हब एक्सल नट को आपको इस तरीके से टाइट कर देना है, फुल टाइट दे देना गाइस। हद से ज़्यादा टाइट ना दे, नहीं तो हब एक्सल नट आपका जो है स्लिप कर जाएगा और ये हब एक्सल आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए आपको टाइट कर देना है। तो ये देखिए हमारा चक्का जो है माइनर प्ले बता रहा है और चक्का को हम घुमा रहे हैं तो देखिए नॉइस का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जो हमारा चक्का प्ले का जो प्रॉब्लम था वो हमारा फिक्स हो गया है। तो इस तरीके से कर लेना है। अब बताते हैं गाइस रियर व्हील का किस तरीके से फिक्स करना है। रियर व्हील का अगर आप चक्का प्ले ढक फिक्स कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, फिर व्हील साइड से कभी भी चक्का प्ले ढक ठीक ना करें, क्योंकि इधर से नहीं होता है। अगर इधर से होता है, अगर आपको लगता है तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो जो भी होता है प्ले ढक फिक्स वो आपका जो है अपोजिट साइड से होता है, जिधर स्टैंड लगा हुआ रहेगा। 20 इंच का हो या फिर 22 इंच का हो या फिर MTV रेंजर साइकिल हो, चक्का प्ले ढक फिक्स करना है अपोजिट साइड से, जिधर स्टैंड लगा हुआ रहेगा। अपोजिट साइड से इसलिए हम बताएं ताकि आप लोग को सुविधा होगा और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इधर में आपको सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको स्पैनर लेने के बाद नट को जिस तरीके से हम फ्रंट व्हील का बताएं कैसे नट को लूज कर लेना है। नट को लूज करने के बाद आपको क्या करना, पत्ती स्पैनर ले लेना है और बायरिंग को टाइट करना, ठीक है, मिला करके। तो देखिए हम बायरिंग को जो है टाइट कर दिए हैं और मिला करके टाइट किए हैं। उसके बाद स्टैंड अगर आपका इधर उधर हो जाता है स्टैंड को पकड़ लें, ठीक है, और इस तरीके से एक बार पहले आपको टाइट करना है,
ठीक है, इस तरीके से टाइट करना है। चक्का को जो है आपको इस तरीके से प्ले करके देखना है। तो हमारा देखिए चक्का एकदम फिक्स हो चुका है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और रियर व्हील का जो है हमारा बॉल बैरिंग एकदम सही है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बैरिंग को ज़्यादा टाइट कर देते हैं और अगर जाम बताता है आपका रियर व्हील, तो व्हील को फिर क्या करना है गाइस, इस तरीके से हाफ एक्सल नट को आपको लूज करना है, ठीक है, हल्का सा लूज करना है। लूज करने के बाद हल्का सा बैरिंग को इस तरीके से आपको लूज करना है, ठीक है, अंदर वाला बैरिंग को इस तरीके से हल्का सा लूज करना है, ज़्यादा नहीं करना, माइनर। लूज करने के बाद आपको क्या करना है, चक्का को जो है एकदम मिडिल पे देखना है, इसका पास से चक्का को एकदम मिडिल पे देख लेना है। मिडिल पे देखने के बाद हाफ एक्सल नट को इस तरीके से आपको जो है टाइट करना है, ठीक है, और स्टैंड को सही जगह पर सेटिंग करने के बाद जो है फुल टाइट दे देना है हाफ एक्सल नट को। तो ये देखिए हम फुल टाइट दे दिए हैं और चक्का हमारा जो प्ले बता रहा था वो हमारा क्लियर हो गया, जाम जो बता रहा था वो भी हमारा क्लियर हो गया और चक्का भी हमारा सही से फिक्स हो गया। तो इस तरीके से कर लेना है। अगर बॉल बैरिंग खराब होता है तो जिस तरीके से बताएं नॉइस का प्रॉब्लम आता है, उस तरीके से नॉइस का प्रॉब्लम आएगा, व्हील में हो, बॉटम ब्रैकेट में हो या फिर हैंडल में हो, सेम प्रोसेस के साथ में होता है बॉल बैरिंग खराब। तो इस तरीके से कर लेना है, आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा साइकिल में और आसानी से आप जो है फिक्स कर सकते हैं। एक चीज हम आप लोग को और कहेंगे गाइस, अगर आप हाफ एक्सल नट को खोल रहे हैं और लूज कर रहे हैं, लूज करने के बाद फुल टाइट दे रहे हैं, तो हद से ज़्यादा टाइट ना दे, फ्रंट व्हील हो या फिर रियर व्हील हो। इसमें क्या होगा, अगर हाफ एक्सल नट स्लिप हो जाता है तो ये एक्सल आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान देते हुए आपको फुल टाइट देना, लगता है कि फुल टाइट हो गया तो फिर आपको छोड़ देना है। जिस प्रोसेस के साथ में बताएं गाइस, वही प्रोसेस के साथ में आपको करना है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका साइकिल में और आसानी से आप कर सकते हैं। अगर चैनल में न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, और प्यारा सा एक कमेंट कर दें और एक लाइक कर दें।